नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आज बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा को सच बोलने की सजा मिली है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री गोपाल राय को लेकर अलका लांबा ने जो बयान दिया वो पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग है और फिर उन पर गिरी गाज। लेकिन गोपाल राय को लेकर आखिर पूरा विवाद क्या है? आपको बता दें, अलका लांबा की प्रवक्ता पद से छुट्टी हो गई है इसी विवाद को लेकर। अलका ने यह कहा था कि आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए हटे हैं गोपाल राय। जो प्रीमियम बस घोटाले के आरोप जो गोपाल राय पर लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच के लिए वो पद से हटे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सेहत की वजह से गोपाल राय अपने पद से हटे हैं। गोपाल राय पर प्रीमियम बस सेवा में घोटाले का आरोप है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। गोपाल राय पर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। गोपाल राय बाकायदा कागजात लेकर एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। अलका लांबा की छुट्टी इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था। अलका लांबा ने यह कहा था कि गोपाल राय ने परिवहन मंत्री की कुर्सी इसलिए छोड़ी ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। प्रवक्ता पद से सस्पेंड किया गया है, क्यों किया? आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा के पास कल तक अपनी पार्टी का पक्ष लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उन्हें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। अलका लांबा को हटाने की वजह बना वो बयान जो उन्होंने परिवहन मंत्री गोपाल राय के इस्तीफे के बाद दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि खराब स्वास्थ्य की वजह से गोपाल राय ने इस्तीफा दिया है, जबकि अलका लांबा के बयान के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि बस सर्विस घोटाले के आरोप की वजह से राय ने इस्तीफा दिया है। सरकार ने एक उदाहरण पेश किया है, गोपाल राय जी ने अगर अपनी परिवहन की जिम्मेदारी छोड़ी है और उन्हें सरकार ने सत्येंद्र जैन जी को अगर आज सौंपा है तो ये दिखाता है कि ये जांच जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष ये कल को मुद्दा बना सकता था कि गोपाल राय जी परिवहन मंत्री हैं, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, आज निष्पक्ष जांच भी होगी, ये भी हम श्योर कर रहे हैं कि ये परिवहन मंत्री जो आरोप लग रहे हैं वो उनके कार्यकाल के हैं, आज उनके पास मंत्रालय नहीं है, निष्पक्ष जांच होगी, ये भी दूध की तरह साफ दिख रहा है। गोपाल राय जी से मेरी मुलाकात और बात नहीं हुई इस विषय पर उनके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए खुद गोपाल राय जी ने यह कहा, उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 17 साल के बाद उनकी पीठ से गोली निकाली गई है, उन्हें थोड़ा सा काम के बोझ से उन्होंने खुद मुझे जहां तक जानकारी है कहा था, तो मुझे लगता है वही एक कारण था। दिल्ली की प्रीमियम बस सर्विस को लेकर बीजेपी ने पूर्व परिवहन मंत्री गोपाल राय पर घोटाले का आरोप लगाया था। बीजेपी विधायक विजेंदर गुप्ता ने कहा था कि नई बस सर्विस में हेरा फेरी हुई है। बीजेपी के आरोपों के बाद राय ने सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। गोपाल राय खुद प्रीमियम बस सर्विस के पूरे दस्तावेज लेकर एंटी करप्शन ब्रांच के सामने पेश हुए थे। अलका लांबा चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं। अलका लांबा पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद अलका लांबा ने कहा है, पार्टी का आदेश सर माथे पर। आम आदमी पार्टी अपने संगठन के अंदर किसको प्रवक्ता बनाती है, किसको प्रवक्ता नहीं बनाती है, हमारे लिए ये अंदरूनी मसला है। मैं कहती हूँ, एक अनुशासित सिपाही की तरह हर कोई कार्यकर्ता कहता है, मैं भी कह रही हूँ और दोहराती रहूंगी, पार्टी के साथ बंधे हैं, पार्टी के अनुशासन के साथ बंधे हैं, पार्टी का जो भी फैसला होगा सर आंखों पर मंजूर होगा। हटाया क्यों गया? मुझे नहीं जानकारी, आप मुझे बता रहे हैं बार बार कि हटाया गया, मेरे पास ऐसी कोई सूचना कोई जानकारी नहीं है। शुक्रिया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है कि गोपाल राय को परिवहन मंत्रालय से हटाने का फैसला पार्टी का था, जिसे गोपाल राय के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया। सवाल उठता है कि क्या अलका लांबा को सच बोलने की सजा दी गई? मेरे को नहीं मालूम आप क्या पूछ रहे हैं। गोपाल राय जी के मसले पर उसकी स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, संगठन पार्टी सब चिंतित थे उनके स्वास्थ्य को लेकर। संगठन ने तय किया कि कम से कम उनके पास जो पोर्टफोलियो है उसमें से वह पोर्टफोलियो जो सबसे ज्यादा टाइम खाता है, सबसे ज्यादा मेहनत खाता है, उससे उनको अगर हम मुक्त करें तो वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे। तो हमेशा पारदर्शिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आज अलका लांबा को पद से हटाए जाने को अपना अंदरूनी मसला बता रही है, और हम ये सवाल उठा रहे हैं आज की बड़ी बहस में कि क्या अलका लांबा को सच बोलने की सजा मिली। इस सवाल पर हम करेंगे चर्चा, और इसके साथ ही एक और अहम सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी में बोलने की आजादी नहीं है, क्या इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सवाल नंबर 3,
सिर्फ परिवहन मंत्रालय ही गोपाल राय ने क्यों छोड़ा, उनके पास बाकी मंत्रालय भी हैं। आखिर परिवहन मंत्रालय जिसको लेकर उन पर आरोप लगे, वही मंत्रालय गोपाल राय ने क्यों छोड़ा? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से आशीष सूद साहब, कांग्रेस पार्टी से हारून यूसुफ जी, वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे जी, अरविंद मोहन जी और कंचन गुप्ता मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये बहुत शीशे की तरह साफ दिखाई देता है कि अलका लांबा ने सच बोला और इसीलिए प्रवक्ता पद से उनकी छुट्टी कर दी गई? देखिए, अलका लांबा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी तो मुझे जानकारी नहीं थी। मैं तो समझता था कि दूसरे लोग जो जैसे कि दूसरे साथी जो आते हैं आम आदमी पार्टी के, वो उसके प्रवक्ता हैं। ये तो इस घटना के बाद ही मुझे पता चला कि वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, इस पद से उन्हें हटाया गया, मुझे जानकारी नहीं थी। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन अगर वो प्रवक्ता थी तो प्रवक्ता का सच तो वो होता है जो कि पार्टी की लाइन होती है। अगर वो प्रवक्ता के पद पर थी तो प्रवक्ता का सच वो होता है, उसका कोई और कोई सच होता है मुझे नहीं पता, जहाँ तक मेरी राजनीति की थोड़ी बहुत जानकारी है। और अगर वो पार्टी की लाइन का पालन नहीं कर पाई, या उन्होंने कोई गलती से या जानबूझ के ऐसी बात कह दी जो कि पार्टी लाइन में फिट नहीं होती थी, तो पार्टी उन्हें हटा सकती है, रख सकती है। इसको हम लोग इसको हम लोग किसी एक नैतिकता के आवरण में देखें साहब, कि उसमें पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, पार्टी में लोकतंत्र है कि नहीं है, ये एक बहस का विषय हो सकता है और होना चाहिए। हमें जरूर इस पर बात करनी चाहिए, सभी पार्टियों के बारे में बात करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए। आपको लगता है अनजाने में इसी अलका लांबा ने पार्टी के झूठ की पोल खोल दी अनजाने में? मैं अभी तो मुझे नहीं पता कि पार्टी का झूठ और सच क्या है, मुझे तो जानकारी नहीं है कि ये पार्टी का कोई सच था, पार्टी कोई झूठ था जिसको उन्होंने बता दिया, सामने खोल दिया, पार्टी छुपा रही थी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। गोपाल राय के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसके बारे में मुझे इतना पता है, जो मैंने अखबारों से पढ़ के जानकारी हासिल की है, कि वो सारा का सारा सौदा अभी कागजों पे है, उसमें अभी किसी पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, और वो भ्रष्टाचार विरोधी यूनिट में वो खुद जाके उन्होंने सारे कागजात उनको दे दिए हैं, जांच मीणा साहब करेंगे उसकी, उसके बाद निकल के आएगा कि वास्तव में सच क्या है। वो ये है कि अगर पार्टी का कोई प्रवक्ता है तो पार्टी की लाइन को मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे साथ आशीष सूद साहब बीजेपी से मौजूद है। आशीष जी, इस बात का क्या कहेंगे? प्रवक्ता बताइए जो पार्टी की लाइन के खिलाफ भी जाए और प्रवक्ता भी बना रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो नहीं सकता, तो जो चीज और पार्टी में नहीं हो सकती वही आम आदमी पार्टी में भी नहीं हुई। आशीष साहब, अगर प्रवक्ता है आप आधिकारिक तौर पर, तो जो पार्टी लाइन ले रही है उसके इतर हटकर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, वो अपने प्रवक्ता किसको बनाए और किसको ना बनाए ये उनका आंतरिक मामला है। हमारे लिए मामला तो ये बनता है कि ये वो पार्टी है जो थोड़े दिन पहले चिल्ला चिल्ला कर कुतुब मीनार की चौथी मीनार पे खड़ा होके कहते थे हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, हमारा एक लोकपाल है, हमारे अंदर निर्णय प्रक्रिया करने के लिए बहुत सारे इंटरनल अरेंजमेंट्स हैं। आज वहाँ पर एक बयान इधर से उधर, और वो भी वो बयान जिसमें अगर इसमें कुछ गलत नहीं था तो पहले दिन आम आदमी पार्टी ने ये क्यों नहीं कहा कि गोपाल राय जी को हम स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि वो ओवरबर्डन है इसलिए हटा रहे हैं। उस दिन तो गोपाल राय का निजी कारण था, आज अभी आप ही के चैनल पर दिलीप पांडे साहब दिखाए गए कि ये पार्टी का निर्णय है, तो ये स्पष्ट दिखलाता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार की वैकल्पिक राजनीति का दम भरा था, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार की प्रशासन चलाने की बात की थी, पारदर्शी प्रशासन चलाने की बात की थी, मोहल्ला सभाओं से अप्रूवल लेकर चीजों को चलाने की बात की थी, और उन सब में आम आदमी पार्टी फेल हुई है। और तीसरी बात यह है कि जो ये दावा किया जा रहा है, गोपाल राय साहब ने भी कल इस बयान में यह दावा किया था कि अभी तो कुछ लेन देन हुआ ही नहीं है, जागरूक विपक्ष की भूमिका के नाते भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े घोटाले को प्रियम्प्ट किया है, और आम आदमी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार की आप कह रहे हैं अलका लांबा ने जो बयान दिया था वो आपकी नजर में 100% सही है, और जो पार्टी लाइन ले रही है खराब सेहत की उसमें दम नहीं है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, तभी तो आज दिलीप पांडे साहब को यह कहना पड़ा कि ये पार्टी ने निर्णय लिया है। परसों तक तो अलका लांबा का बयान सामने आने से पहले तक तो ये विषय चल रहा था कि गोपाल राय साहब ने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर अरविंद मोहन जी को लेकर आना चाहूंगी। अरविंद मोहन साहब, ये वो पार्टी है जो खुद को पारदर्शी होने की बात करती है, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की चमक है वो कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर आज दिलीप पांडे कह रहे हैं कि कौन प्रवक्ता
पता है नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो ये बाकी पार्टियां भी कहती हैं, फिर शायद आप पारदर्शिता का दंभ नहीं भर सकते। नहीं, सिर्फ बाकी पार्टियों का मामला नहीं है कि ये एक और पार्टी आ गई या उसके बराबर आ गई। जो आचरण पिछले एक साल में ही इस पार्टी का शासन में रहा है वो बाकी पार्टियों से बदतर है। और अखरने वाली बात ज़्यादा इसलिए भी हो रही है कि इन्होंने बहुत ऊंची ऊंची बातें की थी और इनके साथ पूरी फौज आई है नए लड़के लड़कियों की, जो अपना कैरियर छोड़ के और सब कुछ समाज के लिए देने के नाम पे आ गए। तो अगर ऊपर बैठे लोग इस तरह का आचरण करने लगे और फिर उसी तरह का पर्दा, उसी तरह का रहस्य, उसी तरह प्रवक्ता किसी को बनाओ, उसको बोलने ना दो, जिस दिन वो बोल दे उसको बाहर कर दो। गोपाल राय आज बड़े ईमानदार हो गए, गोपाल राय पे अभी एक और चार्ज ऑलरेडी ऑटो के लाइसेंस देने में आ चुका है और उसकी भी जाँच चल रही है। तो अगर साल भर में एक मंत्री के दो मामले ऐसे आ जाएँ जिसपे चार्ज आ जाए बहुत, तो वो मंत्री किसी कांग्रेसी, किसी बीजेपी, किसी सपाई, किसी बसपाई से फर्क नहीं है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अलग पॉलिटिक्स का दावा करके आ रहे हैं और स्थापित तो पार्टियों से घटिया आचरण आप दे नहीं रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियां आपकी रही है ये बात आप कह रहे हैं, इस पर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी। हारून यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद है। हारून यूसुफ जी, लेकिन देखिए जो बात अभय दुबे जी कह रहे हैं कि अगर आप पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और पार्टी की लाइन आपको नहीं पता है, उससे हट करके आप कोई बयान दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या, आप किसी भी पार्टी पर अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता है कि जो कांग्रेस की लाइन है वो प्रवक्ता की लाइन ना हो? देखिए, इस पूरे एपिसोड से ये साफ पता चलता है कि इस पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप के अलावा और कोई चीज नहीं चलती है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी को जिस तरह निकाला गया था। अलका लांबा जी ने जो सच्चाई बोली है, अब उनको क्या कहा गया था क्या नहीं कहा गया था, दुबे जी अभी बता रहे थे, दुबे जी को शायद ज्यादा जानकारी हो इस बारे में, मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर एक पार्टी की विधायिका जो अपने आप को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी है, उनका ये कहना कि वो उन्होंने घोटाले से की वजह से ही इस्तीफा दिया है। और बात यह है नेहा जी, इस पार्टी में सिवाय ईमानदारी की बात करते रहो, सिद्धांतों की बात करते रहो, गोपाल राय जी पे जो चार्ज है ये प्रीमियम बस सर्विस का, वो एक गंभीर आरोप है। और जिस कंपनी को वो ठेका दिया जाना था वो बगैर ठेका अलॉट हुए हुए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया अपनी कंपनी का, ठीक है, ऑटो के अंदर जिस तरह उन आरोपों की जांच होगी, लेकिन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की बात करके क्या अलका लांबा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और क्या वाकई में आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इस पर करेंगे हम चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता से मैं ब्रेक के बाद लूंगी जवाब, ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, शाम 5 बजे दिन की हर बड़ी खबर जरूर देखिएगा आप 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। मैं बताऊंगा कांग्रेस की हर खबर, उत्तर प्रदेश की हर खबर, जम्मू की, मध्य प्रदेश की हर खबर, केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, सोमवार से शुक्रवार 24 घंटे 24 रिपोर्टर में, शाम 5 बजे, रात 10 बजे और रात 12 बजे। हमारी चर्चा जारी है कि क्या आप विधायक अलका लांबा को सच बोलने की सजा मिली। कंचन गुप्ता हमारे साथ हैं। कंचन जी, एक पार्टी जो साफ सुथरे चुनाव का, नई राजनीति का दावा करती है, क्या उस पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है? देखिए, ये इस इशू के दो बिंदु हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल जो मामला होता है, कौन ऑफिस होल्डर होगा, कौन स्पोक्स पर्सन होगा, वक्ता होगा, वो एक अलग विषय है और मुझे लगता है कि हर एक पार्टी का अपना ये एक निर्णय करने की लिबर्टी होनी चाहिए। दूसरी जो बात है कि नई राजनीति, जहां तक नई राजनीति की बात है, केजरीवाल किसी जमाने में कहा करते थे कि हम सिखाएंगे औरों को कि राजनीति क्या होता है, लेकिन आज के दिन अगर देखें कि वही घिसी पिटी राजनीति, वही घिसी पिटी अंदरूनी राजनीति, बाहर की राजनीति वही चल रही है। और जहां तक इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है, ये मुझे लगता है आज के दिन शायद जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उनमें से
ये एक और पार्टी बन गया है जहां पर बस एक व्यक्ति का चलता है, व्यक्ति पूजा होता है। और आपको लग रहा है वही गाज जो है वो अलका लांबा पर गिरी है जी, जो वो अनजाने में बोल गई जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। अबे दुबे जी, लेकिन सवाल ये है कि ये तो बहुत अलग बात है, मतलब जिस तरह के हमले करते रहते हैं अरविंद केजरीवाल, और जो सेहत की बात गोपाल राय की सेहत को लेकर के कही जा रही है, उनके पास बाकी विभाग तो हैं, बाकी मंत्रालय तो उन्होंने नहीं छोड़े। सिर्फ वो मंत्रालय उन्होंने छोड़ा है या उनसे लिया गया है जहाँ पर उन पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे? देखिए लिया, ऐसा है कि टीवी पे हम लोग डिबेट करते हैं, जो जैसे ही कोई घटना होती है हम लोग तुरंत उसके ऊपर बहस करना शुरू कर देते हैं, और ये इस मीडियम की मजबूरी भी है और हम सब लोग उसी मीडियम के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि अब थोड़ा अगर रुक के देखेंगे इस मसले को तो बात ज़्यादा समझ में आएगी कि आम आदमी पार्टी की इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं और क्या करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक आंतरिक लोकतंत्र की बात है, जो अभी अपने मित्र कह रहे थे, कंचन जी कह रहे थे, जब हम आंतरिक लोकतंत्र शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम दो शब्द बोलते हैं, आंतरिक और लोकतंत्र। आंतरिक लोकतंत्र का किसी पार्टी का ये मतलब नहीं होता कि अपनी सारी बातों को वो बाहर आके बताएगा, ये नहीं मतलब होता। आंतरिक लोकतंत्र का तो साधारण मतलब ये है, मैंने भी एक राजनीतिक दल में काम किया है, छोटा ही राजनीतिक दल था लेकिन बहुत दिन तक काम किया, 10 साल होल्ड टाइमरी की उस दल की। उसका मतलब ये होता है कि पार्टी के अंदरूनी जो मंच हैं उस पर आलोचना करने की और अपनी बात रखने की आज़ादी। अब आम आदमी पार्टी इन मामलों में कहां तक खरी उतर पाई है, नई राजनीति के मामले में कितनी खरी उतर पाई है, इन सब का एक सोशल पॉलिटिकल ऑडिट कर लिया जाए आराम से बैठ के, पर ये और ये तय कर लिया जाए कि इन मानदंडों पे भाई एक सीमा तक खरी उतर पाए, इन मानदंडों पे बिल्कुल नहीं खरे उतर पाए। ये उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी बातें कही, पूरी तरीके से नाकाम हो गए, संदेश कर लिया जाए। अलका लांबा कोई बयान परसों देती है, वो बयान में कोई गलती तो नहीं है? वो तो ये कह रही है कि देखिए ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिससे देश के प्रधानमंत्री को सीख लेनी चाहिए कि अपने मंत्री को बचाने के बजाय कह रहे हैं आप खुद फाइल लेकर एसीबी चाहिए। अब अगर ऐसे बयान के लिए भी उनको प्रवक्ता पद छोड़ना पड़ रहा है तो फिर इस पार्टी में किस तरह का लोकतंत्र होगा, उसका संदेश जा रहा है ना लोगों के बीच? नहीं, जैसे तोमर का मामला सामने आया, हमको याद है हम चैनल पर बैठे हुए हैं और मनीष कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो इमरजेंसी लग गई और बीजेपी छापा मरवा रही है ऐसे, और तीसरे दिन पता लगा तोमर को पार्टी से भी निकाला, मंत्रिमंडल से भी निकाला, सब कुछ कर लिया। तो अगर उस समय आपको ये बहुत दाग लगता, अच्छा सिर्फ तोमर का मामला नहीं है, ऐसा दूसरा मंत्री भी गया, तीसरे मंत्री से भी विभाग लिया गया, तो ये सब होते होते अगर चौथे मंत्री पे ये बात आती है और अलका ये बात बोल देती हैं कि वो गए हैं और निष्पक्ष जांच होगी, तो मुझे लगता है इससे पार्टी को किनारा करने की जगह ऑन करना चाहिए कि उसी लाइन को आगे बढ़ा रही है। तो फिर आशीष सूद साहब, जैसे कि एक छोटी सी बात और कह दूं, एक छोटी सी बात मैं ये कह दूं, देखिए हर चीज के दो पक्ष होते हैं, हमारे साथी जो बात कह रहे हैं इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो ये है देखिए कि सीबीआई मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ऊपर छापा मारती है, आज तक कभी कुछ भी साबित नहीं होता है उसमें, यहां तक हाईकोर्ट की लताड़े खा रही है सीबीआई उस सवाल के ऊपर। चुनाव के दौरान इस पार्टी के ऊपर वो चेक वाले आरोप लगते हैं, केंद्र सरकार तब भी थी, केंद्र सरकार आज भी है, आज भी उसके ऊपर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये जो मामले हैं ना, आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ खास तरह की विषम परिस्थितियों का भी सामना कर रही है, तो उसका आकलन करते समय उन बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इसी जल्दी खारिज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभय देखो, ये मैं केवल दूसरा पक्ष सामने रखा है, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं। नहीं नहीं, आई डिसएग्री विद यू। ये जो है ना, ये वॉटअबाउटरी हो जाता है कि उधर क्या हुआ था, इधर क्या हुआ था, तो उसने क्या बातें सामने रखनी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी को नई राजनीति करनी थी तो वो नई राजनीति कहाँ पर, और वो नई राजनीति कितनी नई है, कितनी पुरानी है, आरोप भी है, तय नहीं हुआ, ये तय होना बाकी है। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार के माध्यम से एलजी पर लगाते आए हैं, उसी में से एक आरोप की बात हम आगे करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दें आज रात 8 बजे आज की तारीख में जरूर देखिएगा ऑपरेशन जिम कॉर्बेट। हमें इस वक्त कॉर्बेट के बफर जोन में, यह है टाइगर का गढ़, उसका घर। 3 फीट परिमाण 4 फीट होता है, गले का आधा हिस्सा और छाती का हिस्सा पूरा खाया हुआ था। आखिर वजह क्या है कि नरभक्षी टाइगर्स की तादाद लगातार बढ़ रही है? ऑपरेशन कॉर्बेट आज की तारीख में रात 8 बजे। गोपाल राय के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसके बारे में मुझे इतना पता है, जो मैंने अखबारों से पढ़ के जानकारी हासिल की है,
कि वो सारा का सारा सौदा अभी कागजों पे है, उसमें अभी किसी पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, और वो भ्रष्टाचार विरोधी यूनिट में वो खुद जाके उन्होंने सारे कागजात उनको दे दिए हैं, जांच मीणा साहब करेंगे उसकी, उसके बाद निकल के आएगा कि वास्तव में सच क्या है। ये वो पार्टी है जो थोड़े दिन पहले चिल्ला चिल्ला कर कुतुब मीनार की चौथी मीनार पे खड़ा होके कहते थे हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, हमारा एक लोकपाल है, हमारे अंदर निर्णय प्रक्रिया करने के लिए बहुत सारे इंटरनल अरेंजमेंट्स हैं। आज वहां पर एक बयान इधर से उधर, और वो भी वो बयान जिसमें अगर इसमें कुछ गलत नहीं था तो पहले दिन आम आदमी पार्टी ने ये क्यों नहीं कहा कि गोपाल राय जी को हम स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि वो ओवरबर्डन्ड है इसलिए हटा रहे हैं। इस पूरे एपिसोड से ये साफ पता चलता है कि इस पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप के अलावा और कोई चीज नहीं चलती है, और ये सिलसिला शुरू हुआ था योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी को जिस तरह निकाला गया था। तो एक तरफ अलका लांबा की प्रवक्ता पद से छुट्टी हो गई है, और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। किसने? बीजेपी के सांसद महेश गिरी ने केजरीवाल को, उन्होंने खुली बहस की चुनौती दी है। महेश गिरी ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शाम 4 बजे केजरीवाल आएं और उनके साथ बहस करें। महेश गिरी ने बहस की ये चुनौती इसलिए दी है क्योंकि केजरीवाल ने उन पर एनडीएमसी के वकील की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था, और इस पर महेश गिरी ने कहा है कि केजरीवाल या तो अपने आरोप साबित करें या फिर राजनीति छोड़ दें। और आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लेकर बाकायदा एलजी पर भी आरोप लगाया कि वो अपनी पुलिस के साथ बचा रहे हैं महेश गिरी को इस मामले में। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को लाभ का पद देने के आरोपों से घिरे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सांसद महेश गिरी और दिल्ली के एलजी नजीब जंग पर हमला बोला है। केजरीवाल ने नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि जंग ने एमके खान हत्याकांड में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर और बीजेपी सांसद महेश गिरी को पुलिस की पूछताछ से बचा लिया। एलजी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है, अब मोदी जी को पूरा भरोसा हो गया होगा कि बीजेपी के लोग चाहे जितनी गुंडागर्दी करें कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आप उन्हें बचा लेंगे और झूठे केस करने की बात कहकर आम आदमी पार्टी को फंसाते रहेंगे। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद महेश गिरी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर अरविंद केजरीवाल को बहस की खुली चुनौती दी है। गिरी ने कहा है कि या तो केजरीवाल आरोप साबित करें या राजनीति छोड़ दें। मैंने तय किया है कि 19 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 4 बजे के करीब मैं एक ओपन डिबेट रखता हूं, दिल्ली की जनता को बुलाऊंगा और केजरीवाल जी को मैं पत्र भी लिख रहा हूं और उनको खुलेआम वो आए इस डिबेट में, जनता के सामने वो साक्ष्य लाएं और बताएं कि कहां मर्डर में मेरा हाथ था, और अगर वो प्रूव नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो खुद को देते हैं वो रिजाइन कर दे। दिल्ली पुलिस ने एनडीएमसी के लॉ ऑफिसर एमएम खान की हत्या के मामले में एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर और महेश गिरी को क्लीन चिट दे दी है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने होटल कनॉट की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उसे सील कर दिया था। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी को बचा रहे हैं उपराज्यपाल? अब ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और वो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी से आशीष सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, ये 15 जून की चिट्ठी है मेरे पास जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है नजीब जंग साहब को, उपराज्यपाल को, और उनको लिखकर वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एमएम खान की हत्या में बीजेपी के सांसद महेश गिरी और बीजेपी के पूर्व विधायक कंवर सिंह तंवर का नाम प्रमुखता से आ रहा है, आपने यानी एलजी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी पुलिस से कहकर दोनों को बचा लिया। तो अब सवाल ये जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं कि क्या उपराज्यपाल अपने पद पर बैठकर बीजेपी का बचाव कर रहे हैं इस तरह? देखिए, ये सब तो अनर्गल प्रलाप है जो वो अपने 21 विधायकों और ये गोपाल राय के संदर्भ में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। आम आदमी हर छोटी बड़ी बात के लिए कोर्ट में जाती है, और अभी अभय जी भी कह रहे थे कि सीबीआई की किसी रेड के संदर्भ में फटकार पड़ रही है कोर्ट से, अगर उनके पास साक्ष्य है कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके अपनी राजनीतिक हित साधन करना तो ये तुच्छ राजनीति है। अगर उनके पास साक्ष्य है कोर्ट में जाए। देश में ऐसे सैकड़ों मामले देखे गए हैं जहां पर
लोगों को ये इल्जाम, लोगों का ये कहना था कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, नहीं, नहीं, लोगों नहीं। ने कोर्ट से जाके एफआईआर दर्ज कराई है। केजरीवाल साहब प्रशासन देने में आज दिल्ली का दुर्भाग्य ये है। आरोप लगाना आदत है, हाल फिलहाल जो घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी उसकी वजह से कर रही है। दिल्ली में सबके सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर कई पॉइंट पे झूठ बोलते पाए गए या गलत आचरण करते पाए गए, उनका आचरण भी निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेसी अपॉइंटमेंट के बाद जिस तरह से बीजेपी के अकाउंट को खुश करने में उन्होंने पाला बदला है और अरविंद सरकार को सताने में किया है, तो इसलिए दोनों पक्ष में आप बहुत ज्यादा अलग नहीं कर सकते। इसके भी तो कानूनी तरीके हैं। इसलिए आज अगर अरविंद कह रहे हैं तो उस आरोप को भी ठीक से देखना चाहिए, और अगर बहस की बात हो रही है तो वो बहस होनी चाहिए। केजरीवाल की बात से नहीं चलता है। ठीक है अरविंद मोहन जी, आशीष सूद कह रहे हैं कि कौन फैसला करेगा उपराज्यपाल पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो बार बार बीजेपी की तरफदारी करते हैं और केजरीवाल को काम नहीं करने देते, तो कोई लीगल तरीका है कोर्ट में जाए इस बात को लेकर, या चिट्ठियों के माध्यम से इस तरह का पत्राचार होता रहेगा? ठीक है आशीष सूद साहब, जरा जवाब लेते हैं। पॉलिटिक्स में हर चीज का फैसला अदालत नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स में अगर कोई पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है उनको भी वो आचरण करना चाहिए, अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, और अगर दोनों गलती करते हैं और बातें सामने आती हैं तो उनकी मर्यादा तो जहां जाती है वो जाए। पब्लिक भी अपने हिसाब से फैसला करती है कि कौन गलत हो रहा है कौन सही हो रहा है, और इसकी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल की होगी और होती है। चुनाव में, अभी उपचुनाव में दिखाई, एमसीडी में दिखाई दिया कि जो पॉपुलरिटी उनकी तब थी वो अब नहीं है। नहीं नहीं, कंचन गुप्ता जी, जो बात आशीष सूद कह रहे हैं और जो बात यहाँ पर अरविंद जी कह रहे हैं, कि भाई उपराज्यपाल भी, ठीक है आशीष सूद साहब आपने अपनी बात रखी सर, मैं फिर आपके पास आऊंगी, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करूं, मैं कंचन जी से बात कर रही हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगी सर, आपको मौका दूंगी, एक मिनट। कंचन गुप्ता जी सवाल ये है, आशीष सूद साहब कह रहे हैं भाई कौन फैसला करेगा कि कौन किसकी तरफदारी कर रहा है, केजरीवाल साहब जाए ना कोर्ट हर बात के लिए जाते हैं, और अरविंद मोहन जी कह रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि उपराज्यपाल ने साथ दिया है एक पार्टी का। नहीं, देश में और बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा के नहीं है या भाजपा के साथी दलों के मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी के हैं, एडीएमके के हैं और मुख्यमंत्री बीजेडी के हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि उन मुख्यमंत्रियों के हर बात को वहां का जो गवर्नर है वो मान लेता है। काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, अड़चने आती हैं, और उनको सुलझाया भी जाता है, लेकिन एक ऐसा हुआ बन गया है कि पूरे देश में, भारत में बस एक ही मुख्यमंत्री है और एक ही एलजी है, एलजी भी खराब है, मुख्यमंत्री भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। जिस प्रकार की भाषा इन दिनों में देखने को मिल रहा है, अगर आप इन केजरीवाल जी के लास्ट दो पत्रों को पढ़ें, इस प्रकार का जो भाषा जो है, 1980 के दशक में जब एक बहुत जोर फोर्सफुल एंटी कांग्रेस मूवमेंट चली थी, चीफ मिनिस्टर सब इकट्ठे हो गए थे, गवर्नर्स का रोल एक बड़ा, बहुत बड़ा इशू था उस समय भी, और उस बड़े दिग्गज नेता थे, ज्योति बासु थे, एनटीआर थे, भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं, इस तरह की भाषा अगर वहां की, अगर आप रेजोल्यूशन उठा के क्यों हो रहा है ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, अभी जो, अभी जो कहा, अभी कार्य एक्टिविस्ट नहीं है ना, अब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अभी अभी जो कहा जाए, अभी ये कई लोग कहते हैं कि भाई इसकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को ऐसा ही भाषा पसंद है, लोगों को ऐसा भाषा पसंद नहीं है, माफ कीजिएगा, हमारे देश में अब एक दो कैटेगरीज बन गए, एक जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, जो राजनीति को एक ऐसे स्थिति में लाना चाहते हैं जहां पर राजनीति देश की और एक जो बड़ी पिक्चर है उसके लिए काम ना करें, उनको शायद ऐसा भाषा पसंद है, लेकिन अगर आप ज्यादातर लोगों से बात करें आज के दिन, ठीक है, उनको ऐसा भाषा पसंद नहीं आती है। अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो जिस तरह का पत्राचार एलजी के साथ होता है, आरोप अपनी जगह पर है, वो उस तरफ से भी लगते हैं, इस तरफ से भी लगते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है कि मोदी जी अब दिल्ली को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, दिल्ली में अब भाजपा के लोग जितनी मर्जी गुंडागर्दी करें उनका बाल भी बाका नहीं होगा, और आम आदमी पार्टी पर झूठे केस बना बनाकर उन्हें फंसाते रहेंगे, ये बात वो उपराज्यपाल के लिए लिख रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वो कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी वाला मामला हो, चाहे वो अरुण जेटली वाला, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर क्या इस तरह के आरोप लगाना, वो भी इस तरह इस तादाद में लगाना, आप सही मानते हैं? देखिए, यहाँ हम लोग राजनीतिक भाषा का जिक्र कर रहे हैं, एक
सकारात्मक राजनीति होती है और एक नकारात्मक राजनीति होती है। अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नकारात्मक राजनीति कर रही है तो उसका उसे राजनीतिक खामियाजा बहुत उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मोदी जी ने जब जब चुनावों में नकारात्मक प्रचार किया है उनको बुरी पराजय मिली है। कांग्रेस ने नकारात्मक प्रचार 2014 में किया था, कांग्रेस को बुरी पराजय मिली थी। जो नकारात्मक राजनीति करता है जनता उसे नापसंद कर देती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल। नहीं मैं अभी कोई मूल्य निर्णय के तौर पर मैं कोई मूल्य निर्णय नहीं देने जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं या एलजी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ही कह रहा हूं चर्चा यहां पे ये हो रही है कि वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। नहीं नहीं चर्चा तो चर्चा केवल इस बात की नहीं है, उनकी भाषा खराब है। नहीं नहीं अभय आप इतने सालों से राजनीति को फॉलो कर रहे हो, आपको 1980 की जो सीएम मुझे पूरी तरह ध्यान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां की भाषा देखिए। मैं कह रहा हूं इस देश में राजनीति की भाषा जिसको ओवरऑल कहते हैं नीचे से ऊपर तक बहुत बिगड़ी है, और उसमें जितने भी भागीदार हैं नरेंद्र मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सब लोगों ने राजनीति की भाषा बिगाड़ने में योगदान किया है। ठीक है, केवल एक ही के ऊपर उंगली न रखी जाए। नहीं नहीं वो एक वो सब लोग जिम्मेदार हैं, ये एक हमाम है जिसके अंदर सब लोग नंगे हैं। राजनीति में नरेंद्र मोदी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है हम लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें, दिन की हर बड़ी खबर शाम 5 बजे जरूर देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। मैं बताऊंगा कांग्रेस की हर खबर, उत्तर प्रदेश की हर खबर, जम्मू की, मध्य प्रदेश की हर खबर, केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर। सोमवार से शुक्रवार 24 घंटे 24 रिपोर्टर में शाम 5 बजे, रात 10 बजे और रात 12 बजे। हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी को क्या उपराज्यपाल दिल्ली में बचा रहे हैं, ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। हारून यूसुफ साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। हारून यूसुफ साहब, ये जो हर बात पर एलजी और केजरीवाल के बीच पत्राचार होता है, बहुत आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें भाषा की मर्यादा भी सीएम पद के अनुकूल नहीं है, ये भी सवाल सामने आ रहा है। देखिए ये तमाम भाषाएं और तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल जी इसमें महारत हासिल कर चुके हैं कि किस तरीके से असली मुद्दों से हटा जाए। लोग जो नौजवान थे वो वाईफाई की बात ना करें, दाल की कीमतें आसमान पर चली जाएं, बिजली मिल ना रही हो, पानी आना रहा हो, ये रमजान के महीने में पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बिजली नहीं आ रही है। और जो आपने दूसरा जो MM खान साहब के मर्डर के बारे में आपने कहा, हाँ। ये बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी दोनों एक्सपर्ट हो चुकी हैं ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए। अरविंद केजरीवाल घड़ियाली आंसू बना बहा रहे हैं। जो शाहनवाज एक नौजवान था तुर्कमान गेट पे, जब उसको पीट पीट कर गुंडों ने मार दिया था, यही अरविंद केजरीवाल गले से लगा के फोटो खिंचवा रहे थे और कहा कि उसके बच्चों की पूरी तालीम का खर्च मैं दूंगा। आज तक 1 रुपया नहीं दिया। वो बेवा बिचारी बहन हमारी, वो घूमती फिर रही है दर दर, कोई उसके बच्चों को न शिक्षा दे रहा है न कुछ दे रहा है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने महारत हासिल कर ली है। और जहां तक अलका लांबा से जो बहस आपने शुरू की थी, वो बड़बोलेपन में कह गई होंगी। हालांकि अभी अभय दुबे जी, जिनकी मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत अदब के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर बोझ ट्रांसपोर्ट महकमे का नहीं संभाल सकते थे, क्या बसें सर पर उठा के चलनी पड़ती है या मेट्रो सर पर रख के चलते हैं? कि बहुत सही बात है, ये सवाल तो उठ रहा है कि बाकी चार विभाग हैं, उसमें क्यों नहीं है? आप वहां काम कर रहे हैं, सिर्फ परिवहन मंत्रालय से आप खुद को अलग कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे क्योंकि जो सामने दिख रहा है उस पर लोग सवाल करेंगे। लेकिन अभय दुबे जी, देखिए सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं है, अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। महेश गिरी साहब ने उन्हें खुली चुनौती दी है बहस की। अरविंद केजरीवाल अपने सामाजिक कार्यकर्ता के जब उनका जीवन था उस समय वो खुली बहस की सबको चुनौती देते थे। आपको क्या लगता है, मानना चाहिए उन्हें ऐसी चुनौती? मेरा कहना है राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर मैं चाहूंगा अरविंद केजरीवाल महेश गिरी की चुनौती स्वीकार कर लें, और मैं बहुत दिलचस्पी के साथ जाऊंगा और उन दोनों की बहस को सुनूंगा, नोट करूंगा और उसकी भी रिसर्च भी करूंगा, कुछ पता लगाने की कोशिश भी करूंगा। मेरे ख्याल में तो बहुत ही नई और बहुत ही खास तरह की घटना होगी। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल करते हैं या नहीं, वो अब सवाल ये है कि वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये मुझे नहीं पता स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक दूसरा ये है कि इसके और भी इस समस्या से निपटने के और भी तरीके हैं, जो कि अरुण जेटली ने इस तरीके को अपनाया, या मान लीजिए नितिन गडकरी ने इस तरीके को अपनाया। अगर
गिरी साहब को लगता है कि वो गलत आरोप लगा रहे हैं तो अदालत की शरण भी ले सकते हैं इसमें, और उससे उनके लिए बहुत मुश्किल, अगर उनके आरोप सारे झूठे हैं तो मुश्किल पड़ जाएगा उनके लिए अदालत में साबित करना। मुद्दों पर डिलीवर नहीं कर पा रही आम आदमी पार्टी, सीधे सीधे हत्या का, सीधे सीधे हत्या में भागीदारी का आरोप लगाना, अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है तो वो तो एक मिनट में अदालत में नप जाएगा। तो आशीष सूदसा, महेश गिरी अदालत क्यों नहीं जाते, जो चीज के लिए आप अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि अदालत जाएं अगर उपराज्यपाल से परेशान है तो वही आपके सांसद क्यों नहीं करते। प्राथमिकता यही है कि बहस करें, वो मुद्दे गौर होते जा रहे हैं, यही आरोप प्रत्यारोप सबसे ऊपर आ रहे हैं। हाँ देखिए देखिए, जरूर महेश गिरी जी इन सब चीजों को भी एक्सप्लोर कर ही रहे होंगे, परंतु जिस प्रकार के राजनीतिक आडंबर को अरविंद केजरीवाल जी अपनाते हैं उसको भी तो उजागर करना है दिल्ली की जनता के सामने कि आओ ऊपर से बंगी जंपिंग की तरह एक इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। ठीक है, उस राजनीतिक आडंबर को, उस स्वराज की किताब को, उस वैकल्पिक राजनीति को जनता के सामने, जनता के सामने ये सवाल तो है कि जो ईमानदारी का ब्रांड लेके अरविंद केजरीवाल घूमते हैं, क्या उसकी चमक फीकी हुई है? अभी 21 सीटों पर अगर दोबारा चुनाव होते हैं, जो संकट आया उसके बाद, तो उससे कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब जरूर देगी दिल्ली की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त मेरे पास इतना ही। आशीष सूद साहब, हारून यूसुफ साहब, अभय दुबे जी, अरविंद मोहन जी और कंचन गुप्ता, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।